है, कैसे ऐसा नहीं हो सकता। तो यार मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। फिलहाल आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन टैप हेडशॉट के बारे में। चाहे आपके पास कोई भी गन हो, चाहे आपके पास डेजर्ट ईगल हो, चाहे आपके पास M18 शॉट गन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसा प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। ये सारी प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है, एंड ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एक बार आप लोग जान जाते हो ना, तो गाइस आप लोग हर गन से वन टैप हेडशॉट काफी आसानी से मार पाओगे। जैसे कि M10 हो गया, M18 शॉट गन हो गया, डेजर्ट ईगल हो गया, M500 हो गया, ये सारी गन से आप लोग बहुत ही आसानी से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। अगर ये वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देख लिया ना, तो गाइस आप लोग वन टैप हेडशॉट काफी आसानी से मार पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करें अभी तक YouTube पे कोई नहीं बताया होगा, एंड बहुत ही न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स है ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। तो चलो और बताते हैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। बट अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ साथ बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना। अगर आप लोगों को डीजल और डायमंड वगैरह चाहिए ना, तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके मेरे को फॉलो कर देना, मेरे को DM कर देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलो अगर बात करते हैं सारी न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो गाइस बात करते हैं पर पहला ट्रिक के बारे में। सो गाइस जो पहला ट्रिक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस इसको ध्यान से देखना। अबे आप लोगों को पता होगा फ्री फायर में दो वन टैप हेडशॉट होता है, एक होता है नॉर्मल खड़ा होकर वन टैप हेडशॉट, एक होता है जंप वन टैप हेडशॉट, जैसे कि देख सकते हो कुछ इस तरह से, एक ऐसे नॉर्मल खड़ा होकर वन टैप हेडशॉट, एक होता है ऐसे जंप करके वन टैप हेडशॉट। अबे इसमें से आप लोगों को कौन सा सीखना चाहिए, पहले कौन सा सीखना चाहिए? बहुत लोग सोचेंगे पहले आप लोग ऐसे खड़ा होकर वन टैप मारना सीखना चाहिए। अगर आप लोग वन टैप का प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल आके खड़ा होकर वन टैप मारने की कोशिश कर रहे हो, तो गाइस आप लोगों का कभी भी वन टैप नहीं लगने वाला। अगर आप सही में वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो ना, तो गाइस आप लोगों को एक चीज करना पड़ेगा, हर समय से दौड़ के जंप करना है, हेडशॉट मारना है, ठीक है। ऐसे जंप करना है, हेडशॉट मारना है, आप ऐसे खड़ा होकर जितना भी ड्रैग कर लो, मैंने फुल ड्रैग कर रहा हूं तो भी मेरा वन टैप नहीं लग रहा है। लेकिन अभी देखो मैंने यहां पर से दौड़ के गया, जंप किया, वन टैप मार दिया, दिख रहा है कैसे वन टैप लग गया। अगर आप लोग जब भी वन टैप ट्राई करो ना, हर समय जंप एंड शूट, जंप एंड शूट। आप लोग कभी ऐसे नॉर्मल खड़ा होकर वन टैप मारना मत सीखना, ऐसे आप लोग वन टैप बिल्कुल भी सीख नहीं पाओगे। ये है काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक, ऑलवेज टाइम जंप एंड शूट, इससे वन टैप आप काफी आसानी से सीख जाओगे। अब ये जो टॉपिक है ना, ये है परफेक्ट एम लॉक, अपना एम को कैसे आप लॉक करवा सकते हो बंदे की हेड पे, ठीक है। चाहे आपके पास कोई भी गन हो, डेजर्ट ईगल हो, M500 हो, M18 शॉट गन हो, कोई भी गन हो, उस गन का एम को आप कैसे हेड तक लॉक कर सकते हो, ठीक है। जब हेड तक लॉक हो जाएगा ना, तब ऑटोमेटिकली हेडशॉट लग जाएगा। अब यार हेड तक लॉक कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को जो मिडिल पे दिख रहा है ना क्रॉस ईयर, सो गाइस इसमें ट्रिक छुपा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो क्रॉस ईयर है ना, जब आप एनिमी के ऊपर ले जाओगे ना, देखो रेड कलर हो गया, जब एनिमी से दूर ले जा रहा हूं ना, तो ये देखो व्हाइट कलर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को बता देता हूं, आप जब भी ड्रैग करो ना, तो गाइस ये चीज ध्यान में रखना, ये क्रॉस ईयर रेड कलर होना चाहिए। अगर ये क्रॉस ईयर व्हाइट कलर होगा ना, तो गाइस आप लोग ड्रैग करोगे ना, तो गाइस आप लोगों का ऐसे एम ऊपर की तरफ ड्रैग हो जाएगा, एंड आप लोगों का हेडशॉट बिल्कुल नहीं लाएगा। तो गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, सो गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना, अपना क्रॉस ईयर जब ऐसे रेड कलर होगा ना, तब आप लोगों को ऐसे ड्रैग करना है, इजीली वन टैप हेडशॉट लग जाएगा, ठीक है। अभी मैंने जंप नहीं किया, इसलिए वन टैप नहीं लगा, लेकिन आप लोगों को एक ट्रेनिंग ग्राउंड का क्लिप दिखा देता हूं स्लो मोशन। देखो मैं यहां पर पहले जंप किया, मेरा क्रॉस ईयर रेड कलर हुआ, और मैं हल्की सी ड्रैग किया, कितना आसानी से वन टैप हेडशॉट लग गया। तो गाइस ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, अपना क्रॉस ईयर हर समय रेड कलर होगा, उसी समय ड्रैग करना है। सो गाइस ये काफी अच्छा ट्रिक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है। सो गाइस अभी जो चीज बताने वाला हूं ना, ये आप लोगों को बुरा लग सकता है, ये आप लोगों का गलती है। आप लोग ना सिर्फ YouTube पर वीडियो देखते हो, लेकिन आप लोग ना वो चीज ट्राई नहीं करते हो, और आके बोलते हो कमेंट सेक्शन में मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा, लेकिन आप लोग ये चीज ट्राई नहीं करते हो। हाँ ट्राई करते हैं बहुत सारा बंदा, लेकिन वो क्या करते हैं, एक बार ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाता है, मेरा ट्रिक को अप्लाई करते हैं, सोचता है वन टैप नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी ट्रिक को करने के लिए थोड़ी सी टाइम चाहिए, मिनिमम आप लोगों को 3-4 डे तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर 3-4 डे में नहीं हो रहा, तो 1 वीक ट्राई करो, 2 वीक ट्राई करो, हो जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं होगा। हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, आप भी वन टैप मार सकते हो, मैं भी मार सकता हूं, आई होप आप समझ गए होगे। सो गाइस हर चीज ना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में हर चीज है, हर ट्रिक प्रैक्टिस। मैं सबसे बड़ा ट्रिक आप लोगों को बताऊं ना, प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो गाइस आप लोग बहुत ही आसानी से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। आई होप मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं कुछ, ठीक है। अगर आप लोगों को सीखने मिल रहा है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सो गाइस जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करनी, वो तो फॉलो करना, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स को भी प्रैक्टिस भी करना, थोड़ी 2-4 दिन, 1 वीक तक, 2 वीक तक प्रैक्टिस करना, उसके बाद आप लोगों को सीखने मिलेगा। सो गाइस आप लोगों को वीडियो में कुछ सीखने मिला होगा, वीडियो में कुछ सीखने मिला तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे प्रेस कर लेना, एंड वीडियो को तो लाइक कर ही रहो। एंड उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। तो चलो अगर वीडियो के अंदर जो टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात की आप लोगों को अगर अच्छा लगे, तो कमेंट एक छोटा सा कर देना। तो अगला आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए एक बार कमेंट पे बताना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लाऊंगा। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही, टाटा टेक केयर, ऑलवेज कीप, गुड बाय।